नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव आगामी 7 दिसंबर को होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये पढ़ते हैं, हम उनसे जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे लेंगे। ये बताइए कि क्या कुछ पहले यूनिवर्सिटी में कमियाँ हैं, हम पहले सबसे पहले छात्रों के जरिए यूनिवर्सिटी में क्या कुछ होना चाहिए, क्या बदलाव इन लोगों की डिमांड्स है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कमियाँ हैं पटना यूनिवर्सिटी में? वैसे तो एटलीस्ट सब कुछ सही है, बट थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पा रहा हम लोग को पढ़ने के लिए जैसा कि होना चाहिए। थोड़ा क्लास शांत होना चाहिए, माइक स्पीकर वगैरह होने चाहिए जैसा कि पीछे तक भी आवाज़ आए। वही और सब तो एक्चुअली सब सही है, पानी वगैरह है। आप बताओ, आप कौन से कॉलेज वाणिज्य में पढ़ते हो? बीकॉम सेकंड ईयर? हाँ, फर्स्ट ईयर और सेक्शन बी। बस माहौल का ही प्रॉब्लम चल रहा है, बाकी सब ये स्टूडेंट कोऑपरेट कर रहे हैं टीचर के साथ। कुछ स्टूडेंट हैं जिनके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। माहौल मतलब क्या? कुछ स्टूडेंट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई परेशानी? हाँ, हल्का फुल्का वही स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम और कुछ नहीं। कमेंट्स आना और फिर प्रॉब्लम आना, क्योंकि सब स्टूडेंट जैसे है नहीं, तो वही का प्रॉब्लम चल रहा है और कुछ नहीं। बाकी टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई हो रहा है। नहीं, पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही या कुछ डिमांड्स आपकी कि हाँ कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी और बढ़िया बन सके, कुछ ऐसे भी समस्या हैं? ऐसा तो अभी नहीं देखने को मिला है। गार्ड भी लग चुका है गेट पर और काफ़ी सिक्योरिटी भी टाइट है यहाँ का। हाँ, पहले कैंपस में लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी, उसके बाद गार्ड्स भी रख दिए गए। गार्ड भी तो अभी सब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और अगर इम्प्रूव हो सके तो काफ़ी अच्छा है, जितना हद तक हो सके। आप बताओ। जी हाँ, मैं वाणिज्य महाविद्यालय सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, और ये वाणिज्य महाविद्यालय में कुछ मूल रूप से जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि RO वाटर का सुविधा है, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। और क्लास में जो माइक लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है, क्योंकि पीछे वाले बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं प्रॉपर, उनको समझ में आवाज़ नहीं आता है तो समझ नहीं पाते हैं। ये हम लोग कॉलेज में कुछ परेशानियां हैं, उन लोग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और चलिए, कुछ और छात्र हैं पटना यूनिवर्सिटी के, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या कुछ पटना यूनिवर्सिटी में कमियाँ हैं और ये चाहते हैं कि ये पटना यूनिवर्सिटी में बदलाव हो। सर, जैसे हमारे यहाँ बाथरूम की सुविधा, शौचालय के लिए लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट जैसे ज्योग्राफी है, उसमें सिर्फ बॉयज़ के लिए शौचालय की व्यवस्था है, गर्ल्स के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। और इसके बाद डिजिटल यहाँ पे बोर्ड है, लेकिन डिजिटल बोर्ड का रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, और प्रशासन भी कोई पुख्ता नहीं है। जैसे गेट पर एंट्री मारने वक्त अभी कुछ दिख रहा है वैसा, लेकिन वो भी एक मुस्तैदी रूप से जो काम करेंगे वो नहीं ऐसा करते। तो ये कुछ टाइप के मतलब गार्ड्स बैठे रहते हैं, वो कुछ करते नहीं है, बस हैं कि गार्ड हैं, दिखने में दिखे हैं, लेकिन वो सुचारू काम नहीं करते, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था होती नहीं। ये तो एक लंबी समय से मैंने देखा है कि पटना यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। ये स्टूडेंट है, इन्होंने अपनी मतलब प्रतिक्रिया भी दी, बताया कि शौचालय नहीं है लड़कियों के लिए। अच्छा ठीक है, उसको लेकर लड़कियों से मैं बात करूंगा, लेकिन आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अब छात्र संघ के चुनाव भी आ चुके हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव का माहौल पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दिखेगा। जी, सबसे पहले तो प्रोफेसर का बहुत कमी है, जो वो होना चाहिए, और समय पर क्लास होना चाहिए, वो नहीं होती है कभी कभी। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये पार्ट थर्ड में पढ़ते हैं, BA पार्ट 3। BA पार्ट 3 कॉलेज जो ये पटना कॉलेज, पटना जी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। मतलब टीचर की कमी है, टीचर नहीं आते हैं क्या? टीचर प्रोफेसर की कमी है, प्रोफेसर है ही नहीं, बस वही पुराने दो तीन प्रोफेसर हैं, उसी पर चल रहा है। मतलब दो तीन ही है सब पूरा सेशन को? जी। तो ऐसे में छात्र भी ज़्यादा, स्टूडेंट भी ज़्यादा पढ़ा नहीं पाते होंगे ठीक से? नहीं, पढ़ा नहीं पाते। एक जो कनेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट का, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता? जी नहीं, वो नहीं हो पाती है, और ये इसी पर चल रहा है किसी तरह। आप बताइए क्या कमियाँ? देखिए, कमी को अगर गिनाया जाएगा तो शायद ये आपका शो कम पड़ जाएगा, इतनी कमियाँ हैं। ऐसे जितने लोगों से बात हुई उससे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। जैसे बेसिकली ये बात करनी थी कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी हर चीज़ पता है, है ना? चाहे आप सरकार की बात कर लीजिए या यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात कर लीजिए। और किसी एक कॉलेज में दिक्कत होती तो हो सकता था। मैं खुद लॉ कॉलेज से हूँ, ठीक है, और इससे पहले मैंने यहाँ पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया है, PG से मैंने भी किया है दरभंगा। लंबे अरसे से आपने पटना यूनिवर्सिटी को देखा है, और क्योंकि दो तीन सालों में देखा है मैंने, पटना यूनिवर्सिटी का काफ़ी स्वरूप भी बदल चुका है, रंग रोगन हो गया है, बिल्डिंगें नई दिखने लगी है, पहले जर्जर अवस्था में भी थी। तो आपने मतलब एक लंबा दौर, एक वक्त बिताया है पटना यूनिवर्सिटी में, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए?
देखिए बदलाव के तौर पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो ये होती है, जैसे प्रोफेसर्स की कमी जो है ये इतना अफेक्टिव है कि प्रोफेसर्स की कमी के वजह से सब्सिडरी के क्लासेस नहीं होते हैं, और सब्सिडरी के क्लासेस नहीं होने के वजह से एक ऑनर्स पेपर ख़त्म होते ही लोगों को वक्त मिलता है बाहर आने का, और बाहर आने पे कोई कल्चरल फोरम नहीं है जहां लोग अपने आप को इंगेज कर सके। तो इस वैक्यूम में जो कहते हैं ना शैतान का घर जो खाली जो होता है वो शैतान का दिमाग होता है ना, तो वो सारी चीज़ें जो आप लड़कियों के साथ छेड़खानी की बात कर लीजिए या जो भी चीज़ें आप बात कर लीजिए गुंडागर्दी या जो भी, ये खाली वैक्यूम समय में ही होता है। तो बेसिकली इस वैक्यूम को दूर करने के लिए जो भी चीज़ें की जा सके यूनिवर्सिटी के तरफ से वो बेहतर होगा। चलिए हम कुछ और छात्रों से भी प्रतिक्रिया जानेंगे, आप बताइए क्या समस्याएं हैं। समस्या इन द सेंस कि जो ये बोले वो बिल्कुल सही है, मतलब खाली दिमाग शैतान का सीन है, मतलब वही है कि जो निकलते हैं ऑनर्स पेपर हो गया उसके बाद से निकले फिर बाहर का कोई सीन नहीं, सब्सिडरी का है, स्टूडेंट कम, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह आ रहे हैं, पूरी तरीके से फुलफिल नहीं है, जिम नहीं है, कैंटीन है, तो फिर अभी कैंटीन वो भी नैक वाले के कारण मे बी शायद इस तरीके से आपको समझ में आ भी रहा होगा, नैक आए थे कुछ दिन पहले, फिर और कोई मतलब कोई कल्चर इवेंट है तो सही है, स्पोर्ट्स के वगैरह मतलब कोई भी नोटिस सही तरीके से समझ नहीं आ, मतलब एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स तो है ही है। हाँ, ये मतलब कि आप लंबे अरसे से हैं, मैंने दो तीन चीज़ देखी हैं, एक लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं होता है, लड़कियों की सिक्योरिटी की बात नहीं होती, टीचर की कमी है, बुनियादी सुविधाएं हर साल रहती है। इस बार छात्र संघ के चुनाव होने कितनी उम्मीद है, कुछ लगता है ये सब चीज़ें इलेक्शन से कुछ होता है या कुछ फ़ायदा होता है छात्रों को? देखिए छात्र संघ के चुनाव का जो नेचर है उस नेचर पर ही बात करने की ज़रूरत है कि छात्र संघ के चुनाव मतलब वही एक तरीके से जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ना उनके आप एमपी एमएलए बनने के ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। अच्छा। सीधी सी बात है, मतलब बस अपना चेहरा चमकाना है, स्टूडेंट्स से वोट लेना है, लेकिन फिर वो जीतने के बाद कितने स्टूडेंट्स के बीच आते हैं, क्या करते हैं, है ना, मतलब ये तो बहुत हद की बात है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं इस बार के, मतलब कई लोग तो उनका नाम नहीं जानते हैं, नाम जानते हैं तो सिर्फ नाम जानते हैं, चेहरा नहीं जानते हैं, और नाम और चेहरा दोनों भी जानते हैं तो बस इसलिए जानते हैं कि बाहर स्वागत है आपका का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि कौन सी राजनीति यहाँ हो रही है, और प्रशासन को मैंने कहा हर चीज़ पता है, कोई चीज़ है ना, और आँख मूंद लेने से अगर सच्चाई बदल जाती तब तो फिर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वही बात है आँख मूंदे हुए हैं, चीज़ें चल रही हैं तो चल रही हैं, और सरकार की इतनी बड़ी इंटरफेरेंस वाली बात है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल रही है, आप ग्रांट कर रहे हो पैसे लेकिन इसके रिजुविनेशन के लिए आपके पास कोई पैसे नहीं है, तो ये भी एक बात आती है, कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ सरकार भी जिम्मेदार है एकदम से। लॉ में पढ़ते हैं आप? बिल्कुल। कौन से ईयर में? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ लॉ कॉलेज में। चलिए आप अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने यूनिवर्सिटी के मुद्दों को रखा। बिल्कुल। चलिए कुछ और छात्र हैं जो अपने क्लासेस ख़त्म करके आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो मुद्दे हैं जो समस्याएं हैं आपकी उसको बोल आप लोग बताइए, सनमाने से नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? प्रॉब्लम क्या है, देखिए ना अभी एक से डेढ़ महीने पहले इतना बड़ा कांड हुआ था हॉस्टल को लेकर, दूसरे हॉस्टल ने कांड किया, दूसरा हॉस्टल भुगत रहा है अभी। हाँ, उसकी वजह से एक से डेढ़ महीने तक भी दो हॉस्टल जो नहीं किया है, ये एक दो हॉस्टल ऐसा किया जिसे सात आठ हॉस्टल जो नहीं किया था वो भी इसका भुगत रहा है, और बच्चे अब दौड़ रहे हैं एग्जाम का टाइम, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, 10 दिसंबर से एग्जाम का शेड्यूल निकला है, अभी एग्जाम दे फॉर्म भरे कहाँ रहे, रूम बाहर रूम नहीं मिलता सही से, ये दिक्कत है बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशन, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है वो लड़के बाहर नहीं रह पा रहे, घर पर रह रहे हैं, उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा अटेंडेंस नहीं होने के कारण, ये सारी दिक्कतें हैं, और बहुत सारा दिक्कत है। अब देखिए क्या होता है, अब जब तक कुछ यहाँ अभी भी गए थे हम लोग मिल गया, दिक्कत होती है बाहर रहते हो, खर्चा भी बढ़ गया होगा आप लोगों को। कहाँ के रहने वाले हैं? किशनगंज के रहने वाले। किशनगंज से यहाँ पढ़ाई करने आए हैं? कौन से क्लास में? पीजी फर्स्ट सेमेस्टर। पीजी फर्स्ट सब्जेक्ट? हिस्ट्री। हिस्ट्री से आप बैचमेट हैं? नहीं, यूजी में। क्या क्या समस्या है आपकी नज़र में? मेरे भी वही सेम प्रॉब्लम है, हम भी पहले हॉस्टल में ही रहते थे, इकबाल हॉस्टल में पहले रहते थे, लेकिन इकबाल हॉस्टल तो सील है जी, इकबाल के साथ साथ तो माइनॉरिटी हॉस्टल को भी सील कर दिया गया ना। हाँ, माइनॉरिटी तो फिर लेकिन दोस्त था कोई? हाँ, लेकिन इकबाल के इसमें दोस्त तो था नहीं। हाँ, इकबाल क्या नहीं, क्या कोई और भुगत रहा कोई और, बस यही सब समस्या। हम लोग डेली आते हैं जाते हैं कॉलेज, हमारे कॉलेज में बहुत समस्या है, जो मूल रूप से सुविधा मिलती है वो हम लोग से मिल नहीं रहा है, जैसे कि पानी की समस्या हो गया, या क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनका आवाज़ बच्चों के पास नहीं पहुंच रहा है, और भी बहुत बड़ी समस्या है जैसे सिक्योरिटी गार्ड हमारे वाणिज्य महाविद्यालय की में नहीं है,
और जो गर्ल्स कॉमन रूम है पर उसमें बॉयज़ भी इंटर कर जाते हैं, वो भी एक समस्या की बात है। और हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स के रिलेटेड उतनी कुछ और छात्र हैं, हम कुछ और छात्र हैं जो आ रहे थे। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप लोग? जी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, क्या समस्या है, क्या बदलाव होना चाहिए, छात्र संघ का चुनाव है, कोई उम्मीद है? जी सबसे पहली समस्या है कि जो हमारे कॉलेज के गौरवमय इतिहास है वो धूमिल के कगार पर क्यों है। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि जो प्रेस्टीज है, जो धूमिल के कगार के पे, मतलब देखिए एक साल डेढ़ साल पहले पूरा रंग रोगमन हुआ, पीएम मोदी भी यूनिवर्सिटी में आए थे। देखिए और सबसे बड़ी समस्या यहाँ के हॉस्टल की है, और जब भी हॉस्टल सील्ड हो जाता है, अलॉट नहीं होता है, और बिना किसी मुद्दे को हॉस्टल को सील्ड कर दिया जाता है, हॉस्टल को बच्चों को अलॉट करके फी पे करते हैं, फिर भी हॉस्टल का सुविधा पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है उन लोगों को। और केवल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हॉस्टल वगैरह के साफ़ सफाई जो भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं या बड़े प्लेटफॉर्म के लोग हैं वहाँ पे आते हैं, ये आना बड़ी बात नहीं है कॉलेज में, बल्कि कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है उसको सुधारना बड़ी बात है। इसलिए मैंने कहा कि कॉलेज का जो हमारा गौरवमयी इतिहास है वो धूमिल के कगार पे है। धूमिल के कगार पे, बिल्कुल। समस्या बताइए। सबसे बड़ी समस्या तो सबसे पहले यहाँ का हॉस्टल व्यवस्था, यानी कि हॉस्टल व्यवस्था आए दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। एक ऐसा ही हॉस्टल का इतिहास था, हर स्टूडेंट चाहता था कि मुझे हॉस्टल में जगह मिले, लेकिन आज वही समस्या है कि हॉस्टल में जगह चाहते हैं और बाहरी लोग की परेशानी, कॉलेज की परेशानी, और बाहरी लोगों से जो हॉस्टल के स्टूडेंट को परेशान किया जाता है, सबसे बड़ी परेशानी है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यहाँ के प्रशासन की, जिन्होंने विगत कुछ दिन पहले जो हमारे हॉस्टल के जो भी स्टूडेंट थे जो अपने सुरक्षा के लिए वीसी आवास पे धरना दिए थे, उसकी सुरक्षा के दृष्टि से उसको सुरक्षा नहीं बल्कि पुलिस के हाथों थमा दी गई थी, फिर उसे जेल भेज दिया गया था। चलिए तो पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों की समस्याएं हज़ार हैं। लगातार न्यूज़ फॉर नेशन से उन्होंने अपने तकलीफ़ों को या कहें कि दर्द को साझा किया। कुछ छात्र ने कहा कि यहाँ पे गर्ल लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, कुछ ने कहा कि टीचर की कमी है, तो कुछ ने कहा कि हॉस्टल में सील बंद है इसलिए तकलीफ है, कुछ ने कहा कि यहाँ पे स्पोर्टलेस यूनिवर्सिटी है, यानी कि स्पोर्ट्स होता नहीं है, इसलिए जो पढ़ाई के अलावा जो वैक्यूम समय बच जाता है उसमें उन्हें समझ में नहीं आता क्या होता है। इसी वैक्यूम जो समय होता है उसी में ही वारदातें जो हैं, यानी कि कहें कि कई घटनाएँ जो हैं पटना यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं। फिलहाल आगे भी हम आपको पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई वीडियो दिखाते रहेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि आगामी 7 दिसंबर को पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होना है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।